अगर मेरे नज़रिए के मुताबिक इंडियन ज़्यादा बेहतर, इंडियन बेहतर है, नहीं मुझे नहीं लगता। हाँ बंगाली फिर भी ठीक होते हैं। पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो हिस्से हो गए, दो पाकिस्तान बने, भले वो बांग्लादेश कहते हैं इसको पाकिस्तान के, लेकिन मैं तो समझता हूँ वो भी एक पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया और इंडिया और बांग्लादेश का सेमीफाइनल, तो आप किसको फाइनल में साथ देखेंगे अपने? बांग्लादेश को, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं ज़्यादा जोर पसंद करते, इंडिया ही बनता है वैसे तो, क्योंकि इंडिया में जो है वहाँ से ही सारा निकला, वहाँ से फिर जो है पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान से फिर वहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता बांग्लादेश का कल्चर? या बांग्लादेश पढ़ा है लेकिन हमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इंडिया का कल्चर पढ़ा है कभी? हाँ इंडिया का तो पढ़ा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिर अगर पढ़ा है तो। इंडिया, अच्छा अगर इंडिया और बांग्लादेश का मैच होता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड? जब वो इंडिया गए खेलने के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं आप भी थी आपको तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं गया नहीं, ठीक है जो मैंने सुना हुआ मैं आपको वो शेयर करूँ आपके साथ। तो मेरे ख्याल मेरे नज़रिए के मुताबिक इंडिया बेहतर है, वो अलग बात है कि उनको कह रही है। आप बंगाली कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस हिसाब से बंगाली ज़्यादा बेहतर? हाय दिस इज़ हमज़ा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि हम पाकिस्तानी मुस्लिम से पूछेंगे कि आपके ज़्यादा दिल के करीब कौन है, बंगाली मुस्लिम है या इंडियन मुस्लिम है, और आपको उनका कल्चर कैसा लगता है, उनकी क्रिकेट टीम कैसी लगती है, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका नाम? बकार। आपका नाम? कायनात। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आपके दिल के करीब बंगाली मुस्लिम है या इंडियन मुस्लिम है, मतलब एज अ नेबर कंट्री हम क्या ज़्यादा किसे प्रेफर करेंगे? मेरे अगर ओपिनियन आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल पे दोनों ही मुस्लिम हैं, जो अल्लाह को मुस्लिम तो पूरी दुनिया में बराबर है, ऐसा हम बस ये कि हमें किन से ज़्यादा लगन है, पीपल टू पीपल कनेक्शन किन के साथ? देखा जाए तो बंगालियों के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोट है, ये आप भी जानते हैं, और जो इंडिया वाले हैं इंडिया वाले हमें थोड़े पसंद करते हैं। अगर मेरे नज़रिए के मुताबिक इंडियन ज़्यादा बेहतर है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडियन बेहतर है, नहीं मुझे नहीं लगता इंडियन भी है या बंगाली भी है, दोनों मुस्लिम को नहीं समझते। इंडिया के कुछ लोग हैं जो समझते हैं, ओवरऑल नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करती। तो बंगाली आप ज़्यादा प्रेफर करेंगी? हाँ बंगाली फिर भी ठीक होते हैं। भाई जान आप कैसे इंडियन कह रहे हैं, इसमें को थोड़ा सा बताएं कि आपको इंडियन कैसे अच्छे लगते हैं, क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में मेरे कुछ टीम मेंबर हैं, वो गए हैं वहाँ पर मैच के लिए काफ़ी साल पहले, 2005 या 7 की बात। अच्छा क्रिकेट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो बता रहे थे मुझे कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेंट करते हैं, नापसंद करते हैं हम लोगों को वहाँ पे, तो वो इतना बात भी नहीं करना पसंद नहीं करते, ठीक है। और जबकि उसके नज़रिए के मुताबिक अगर देखा जाए तो वही जब इंडिया गए हैं खेलने के लिए, जी मैं 2012 या 13 की आई थिंक बात बता रहा हूँ आपको, जब वो इंडिया गए हैं खेलने के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं आप भी थी आपको तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं गया नहीं, ठीक है जो मैंने सुना हुआ मैं आपको वो शेयर करूँ आपके साथ। तो मेरे ख्याल मेरे नज़रिए के मुताबिक इंडिया बेहतर है, वो अलग बात है कि ये उनको कह रही है। आप बंगाली कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस हिसाब से बंगाली ज़्यादा बेहतर? मैंने जो सोशल मीडिया में देखा है ना उसके सपोर्ट के रिलेटेड कह रही हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अच्छा क्रिकेट आप अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया और इंडिया और बांग्लादेश का सेमीफाइनल, तो आप किसको फाइनल में साथ देखेंगे अपने? ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश को, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं ज़्यादा जोर पसंद करते, सबकी अपनी अपनी राय है, कोई किसी का कहता है कोई किसी का कहता है, लेकिन हाँ लेकिन बांग्लादेश। तो आपको उनका कल्चर कैसा लगता है बांग्लादेश? जी जी बताएं क्या इंडिया, इंडिया का अगर देखा जाए तो नो डाउट जंगी मैच होता है, तूफानी मैच होता है, हर बंदा उसको बल्कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के देखा, हॉस्पिटल के अंदर लोगों के सांस तक रुक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, हॉस्पिटल की बात करें लोगों का वेंटिलेटर ही वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, वो वेंटिलेटर तक वाकई पहुँच जाते हैं वहाँ वो, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी बांग्लादेश की प्रेफर करूँगा। तो आपको उनका कल्चर कैसा लगता है बांग्लादेश का? कोई अच्छा बांग्लादेश का कोई आपको क्रिकेटर पसंद है? नहीं ना। आपको ना। इंडिया का? इंडिया कोहली बहुत ज़बरदस्त है। कोहली? नहीं मुझे नहीं पसंद जिसकी आप बात कर रहे हैं। शकीबुल हसन? नहीं कोहली, कोहली कोहली इज़ द ग्रेट। आपको इंडिया? कोहली सही है। चलो चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आपके दिल के करीब बंगाली मुस्लिम ज़्यादा या इंडियन मुस्लिम ज़्यादा? ज़्यादा किस मराद में? पॉपुलेशन में या किस नहीं, वैसे पीपल टू पीपल कनेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। कनेक्शन, अच्छा अब अगर सोर्स में जाएँ तो सोर्स तो इंडिया ही बनता है वैसे तो, क्योंकि इंडिया में जो है वहाँ से ही सारा निकला, वहाँ से फिर जो है पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान से फिर वहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान के बनने के बाद फिर बांग्लादेश अलग हुआ, तो सोर्स जो है वो इंडियन ही है। तो लेकिन ऑब्वियसली अगर कनेक्शन उस लिहाज से फील किया जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो वो ज़्यादा करीब महसूस होता है क्योंकि बाद में उसकी पार्टीशन हुई, ठीक है।
लेकिन ऑब्वियसली मुसलमान मुसलमान ही है, चाहे जिस भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, हमारे लिए तो सेम ही भाई। आपको उनका कल्चर कैसा लगता है बांग्लादेश का, उनकी क्रिकेट टीम कैसी लगती है? क्रिकेट टीम ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो टायर में उस तरह से नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। आप उनका कोई मतलब क्रिकेट टीम से उनका कोई क्रिकेटर कोई खिलाड़ी आपको पसंद हो? टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन मैं तो ज़्यादा जब भी मैच देखता हूँ मेरा फोकस जो होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ही होता है, और वो सारे मानते हैं इस चीज़ को। शकीबुल हसन आपको पसंद है? हाँ, शकीबुल हसन ये नाम सुना हुआ लग रहा है। मैं असल में बांग्लादेश के ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, बांग्लादेश के। हाँ नहीं नहीं, नो डाउट, मैंने जितनी भी इनकी गेम देखी है बहुत अच्छा इन्होंने खेला, और ये है कि ऑब्वियसली ये गेम बाय चांस भी नहीं आप कह सकते, मेहनत के साथ भी जीतने वाली गेम है। ठीक है, अगर इंडिया और बांग्लादेश का मैच होता है वर्ल्ड कप तो आप किसको सपोर्ट करें? ओके, आई गेस बांग्लादेश। बांग्लादेश? हाँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली ये बता दूं कि मैं कोई क्योंकि अब देखो ये वो कोई पुराने वक्तों की बात नहीं रही है, मैं रेस के खिलाफ रिलीजन के खिलाफ उस तरह से बात नहीं करना चाहता कि बाद में मुझे कोई कहे यार तुम रेसिस्ट हो रहे हो या इस तरीके से। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस है, इंडिया के साथ वैसे ही टक्कर रहती है, तो अगर इंडिया के खिलाफ किसी का है तो फिर चलो बांग्लादेश के साथ दे देंगे। चले, थैंक यू। थैंक। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपके दिल के करीब ज़्यादा इंडियन मुस्लिम है या बंगाली मुस्लिम है? देखें, मुस्लिम तो सारे करीब हैं जितने भी मालिक एज अ नेबर कंट्री हम पूछ रहे, वो तो बिल्कुल पूरी दुनिया का जो भी मुसलमान है एज अ भाई भाई है। हाँ, लेकिन नेबर में जो कंट्री है वो हमारी तो बांग्लादेश ही कहलाएगी ना बंगाली, क्योंकि वो बांग्लादेश पहले हमारा हिस्सा था, तो फिर वो हमसे संभल नहीं पाया तो वो लैदा हो गया, तो अभी तो वैसे पाकिस्तान भी नहीं संभल रहा, तो वैसे बांग्लादेश हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छा है, हमारे साथ रहते, इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे बंगालियों को। आप उनका कल्चर कैसा है, उनकी क्रिकेट टीम क्या पसंद है मतलब? हाँ, उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने उनको पहला मैच दिलवाया था, हमारे नेबर्स में हमारे से लैदा हुआ है तो इसको आगे आना चाहिए। 1990 वर्ल्ड कप में जो पहला मैच था। पहला मैच। अच्छा, अगर इंडिया और बांग्लादेश का मैच होता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड कप में? मैं दोनों को सपोर्ट करूँगा, दोनों में कोई भी जीते तो वो हमारे तो हमारा ही है ना, हमारा हिस्सा ही था, तो कोई भी जीते हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ हमसाया ममालिक जो है या हमसे लैदा हुआ है तो हम बंगाली अच्छे हैं, लेकिन हम बेस्ट फेवर तो पाकिस्तान भी करेंगे ना, अगर पाकिस्तान जीते तो सेकंड ऑप्शन वो है। नहीं, वो अगर उन दोनों का मैच होता है वो पूछेगा, दोनों का मैच दोनों में कोई भी जीत जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा मसला। पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया, सेमीफाइनल इंडिया और बांग्लादेश खेल रहा है, तो आप किसको फाइनल में देखना चाहेंगे? सेमीफाइनल में बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, मैं उसको बांग्लादेश को देखना चाहूँगा फाइनल के अंदर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर दोनों में कोई भी अगर मालिक जीतता है तो उसमें अच्छा है, वो दोनों हमारा एक ही घर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। चले, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद यासीन। क्या करते हैं जी? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में होता हूँ, लेकिन जी वी से मैं हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से मैं आया हूँ यहाँ पे, तो सर्दियों की छुट्टियाँ गुजारने में बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपके दिल के करीब इंडियन मुस्लिम ज़्यादा है या बांग्लादेशी मुस्लिम ज़्यादा है? मुसलमान तो मेरे ख्याल से सब बराबर है मेरे हिसाब से, लेकिन बांग्लादेश का ये है कि पाकिस्तान से अलग हुआ है, तो उनके साथ एक अलग ही उनके साथ एक अटैचमेंट है, जाहिर है बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो हमारे हमसे अलग हुए हैं, हमारे भाई हैं वो, तो जिस तरह दो भाई घर में अलग होते हैं इसी तरह से हमारे जो दो मुल्क हुए हैं वो एक भुट्टू की बदौलत, पीपल्स पार्टी को आज सब लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी है, ये है वो है, मैं तो इसको नहीं समझता हूँ, पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान दिया है शायद किसी पार्टी ने दी हो, तो पीपल्स पार्टी की वजह से ही ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो हिस्से हो गए, दो पाकिस्तान बने, भले वो बांग्लादेश कहते हैं इसको पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ वो भी एक पाकिस्तान है, मुसलमान उधर के और इधर के कोई उसमें देखिए मुसलमान तो सारे आपस में भाई, लेकिन एक करीब होता है कि ये हमारे ज़्यादा दिल के करीब है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन वो था कि हम ये पूछ रहे हैं कि आपके दिल के करीब ज़्यादा कौन है? वो तो जाहिर है बांग्लादेश वाले ही होंगे, क्योंकि हमारे भाई हैं। आपको उनका कल्चर कैसा लगता है, उनकी क्रिकेट टीम? जाहिर है उनकी क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट भी कर लेंगे, उनकी क्रिकेट भी अच्छी है बनिस्बत इंडिया से, तो वो बेस्ट है। और उनका कल्चर भी उनका अच्छा है, पाकिस्तान का कल्चर और बंगाल का कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है, मछली और चावल ज़्यादा खाते, चावल और मछली उनका नेशनल मेरे ख्याल से फूड में जो होता है, चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग और मछली भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि आपके दिल के करीब ज़्यादा बंगाली मुस्लिम है या इंडियन मुस्लिम। देखें, मुसलमान तो सारे जो मुसलमान हैं वो सारी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं हमारे भाई, लेकिन एज अ नेबर कंट्री आपको कौन ज़्यादा पसंद है? हमें दोनों पसंद है, क्योंकि मुसलमान तो दोनों तरफ है, लेकिन बांग्लादेश में भी हैं इंडिया में भी हैं। जी जी।
तो मुसलमान तो है ना, तो हमें दोनों पसंद है नेपाल। आप मुझे बांग्लादेश के, इसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी थे, पहले भी थे, बाद में अलग हो गए, वो उनकी अपनी वजह थी, लेकिन बांग्लादेश की मुझे ज़्यादा पसंद है इसके। आपको दोनों? आपको इंडियन मुस्लिम? ये मुसलमान तो मुसलमान ही होते हैं अगर उनमें ईमान। मेरा देखिए मुसलमान, मैंने पहले ही वो बात की कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल मुसलमान मुसलमान, लेकिन ऐसा हमारे दिल के करीब ज़्यादा कौन है, हम मतलब प्रेफर किसे करेंगे ज़्यादा। चले मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में हो और इंडिया और बांग्लादेश का सेमीफाइनल में मैच है, तो आप किसको फाइनल में साथ देखना चाहेंगे? इंडिया को। इंडिया, बांग्लादेश? और आप? इंडिया। जी हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अच्छा आप बांग्लादेश को देखना, इसकी क्या वजह, इंडिया को क्यों, बांग्लादेश को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक वॉर की तरह होता है, तो उसको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है। आप क्यों बांग्लादेश को देखना? बांग्लादेश क्योंकि ये हमारे अपना मुल्क था पहले, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बांग्लादेश। अच्छा आपको कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर पसंद है? नहीं। आपको? शकीबुल हसन। शकीबुल हसन। और आपको? मुझे भी शकीबुल हसन। अच्छा शकीबुल हसन। रतन दास। रतन दास। और आपको? मुझे विराट कोहली। नहीं बांग्लादेश का कोई पसंद? बांग्लादेश में लेटन दास। अच्छा अच्छा अच्छा, ये और बताएं बांग्लादेश का कल्चर आपको कैसा लगता है? ये बिल्कुल आपको कल्चर के बारे में बांग्लादेश का कोई आइडिया नहीं है? नहीं। तो आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता बांग्लादेश का कल्चर? या बांग्लादेश पढ़ा है लेकिन हमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इंडिया का कल्चर पढ़ा है कभी? हाँ इंडिया का तो पढ़ा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिर अगर पढ़ा है तो। इंडिया का कल्चर बिल्कुल हमारे जैसे है लेकिन उनके कुछ रवायत। आपको नहीं लगता बांग्लादेश का भी सेम है हमारे जैसा? कुछ कुछ सेम है लेकिन हमने ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया बांग्लादेश, दैट्स व्हाई आई प्रेफर इंडिया। अच्छा कोई पीसफुल मैसेज देना चाहे आप, यूथ है पाकिस्तान की, कोई बांग्लादेश को मैसेज देना चाहिए या इंडिया को कोई मैसेज देना चाहे? मैसेज कोई भी मैसेज है साहब पाकिस्तानी दो यार आप ऐसा पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश के पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान हो या इंडिया का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये सारे भाई भाई हैं, हमें कहीं भी जाके ना राइवलरी पैदा नहीं करनी चाहिए ताकि मुसलमानों का ना भाईचारा बढ़ता रहे, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। आप अगर हम तीनों एक ही मुल्क होते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि हम तो इतना मज़ा आना था कि आप सोचे ही ना, तीनों अगर देखें भाई एक ही टीम होती, विराट कोहली और बाबर आजम, ओपनर आते शकीबुल हसन, कैसा मजा आना था, लेवल का मजा आना था, अगर सारे के सारे इकट्ठे होते ना क्रिकेट टीम, सलमान खान पाकिस्तानी ड्रामों में एक्टिंग कर रहा होता। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो ड्रामे वहाँ में जाकर बन रहे होते, कितना मजा, हमारी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होना था, दुनिया हमारा कल्चर देख रही होती, बहुत ज्यादा बड़ा एक हमारी इकोनॉमी बन जाए, शाहरुख खान इधर टॉप पे आनी थी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, अगर इन दोनों की इकोनॉमी वगैरह और ये सब कुछ मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ एक हो जाती तो ये टॉप पे होती। आप देखिए पठान मूवी अगर लाहौर में शूट होती शाहरुख खान की, बिल्कुल यही क्या चर्चे आजकल चर्चे होते पूरी दुनिया, और अगर होते दुनिया में तभी पूरी दुनिया में चर्चे, अब हॉलीवुड को कम्पीट कर रहे होते अगर पाकिस्तान की दोनों हमारे इंडस्ट्री एक होता ना तीनों मुल्क, तो बीट कर रहे होते, बीट कर रहे होते, बस यही है। चले थैंक यू। चले आपने जानी पाकिस्तानियों की ओपिनियन, और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि बंगाली मुस्लिम और वेस्ट के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया। 1906 में मुस्लिम लीग इंडिया मुस्लिम लीग का कियान भी ढाका में हुआ, उसके बाद 1940 में जब पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई वो भी एक बंगाली की तरफ से पेश की गई जिनका नाम था AK फजल हक, और उसके बाद 1956 से 1957 तक एक बंगाली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे जिनका नाम था हुसैन शहीद सरवर्दी। ये थी आज की वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें।